एक ओर लोग कोरोना से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश की जनता बढ़ते पेट्रोल डीजल तथा रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान है, जिसका निषेध नयन इस युवा ने मोदी के मंत्रियों के फेस पोस्टर लगाकर तीव्र विरोध किया। आए दिन देश की जनता बढ़ रहे पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों से परेशान है, बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। इस देश की जनता पहले से ही कोरोना महामारी से परेशान है, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर देश भर में अलग अलग स्टाइल से सरकार की नीतियों का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में नागपुर के रिजर्व बैंक चौक के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता नयन, इन्होंने अपने माथे पे दशावतार जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के फेस पोस्टर लगाकर हाथ में दोपहिया वाहन लेकर पेट्रोल भरने के लिए आए थे। इन्हें देखकर सभी अचंभित होकर उन्हें देखने लगे। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन को लेकर किसी ने सराहना की तो वहां पर पेट्रोल भरने आए एडवोकेट जायसवाल, इन्होंने केंद्र सरकार की गलत नीतियों और बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता नयन और एडवोकेट जायसवाल, इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। आए दिन पेट्रोल में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है उससे नागरिक काफी परेशान है। ऐसे में शहर के कुछ ऐसे भी सामाजिक युवा कार्यकर्ता है जो सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हुए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने के लिए आए। आखिरकार ऐसी क्या बात हुई जिसके चलते उन्होंने कई प्रकार के, जैसे दश रावण कहते थे, रावण के जैसे दशमुख थे, ऐसे इसी प्रकार से इन्होंने आप देख सकते हैं कि कई ऐसे मुखड़े लगाए हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए उनसे जानना चाहेंगे। आप ये बताएं कि जिस तरह से आज ये कलयुग का रावण यहाँ पर लिखा गया है, और चाहे मोदी हो, राजनाथ सिंह जी हो, या फिर अमित शाह हो, निर्मला सीतारमण हो, या अन्य कोई ऐसे मंत्रिमंडल है, इनका क्यों निषेध कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? हम सर इसका निषेध इसलिए कर रहे हैं, कलयुग का रावण हमने ये पार्टी इसलिए लगा के रखी है कि अपन आज सबने अपने घर के बच्चे हो गए या सभी, अपन ने रावण किसी ने देखा नहीं, किसी ने रावण देखा क्या, किसी ने रावण देखा नहीं। आज रावण अपन सिर्फ कथाओं में, राम कथाओं में, सभी इसमें देखते हैं। और दशहरे के दिन जो अपने घर के समय पिंडाल में या किसी मैदान में अपन रावण दहन होता है, तब बच्चों को दिखाने जाते हैं कि ये रावण है, इन्होंने ऐसा ऐसा किया था। लेकिन आज कलयुग का रावण मतलब साक्षात बताऊँ तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनकी पूरी केंद्र सरकार ये रावण का द्वेष लेके आज पूरे भारत में ये अपना राज कर रही है। ये आज देख रहे अपन 60-70 रुपए का जो पेट्रोल था तब ये आंदोलन करते थे, तो आज 100 के ऊपर चला गया पेट्रोल। गरीब जनता, इन्होंने जो जुमलेबाजी किए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम रोजगार देंगे, आज युवाओं, अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स है सर, कि जो MBA पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन हुए हैं, वो स्टूडेंट आज 7-8 हज़ार से पब्लिक। अब आप ये बताएं क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या करना क्या चाहते हो? हम कहना यही चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है जो पूरी प्राइवेटीकरण कर रही है, बार बार लोगों को जुमलेबाजी कर रही है, कोविड में भी इन्होंने लॉकडाउन के चक्कर में इतना किया, और अभी ये 100 के पार, ये 100 जो पेट्रोल हुआ है ये 200 जाएगा करके हम आज इनका निषेध करने आए कि जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल सिलेंडर के दाम कम से कम करो, और भारत जनता, भारतीय भारतवासी को एक दिलासा देना चाहिए। बस इस प्रकार की बात इन्होंने की है। आखिरकार देखना ये होगा कि सरकार क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है। इस समय में हमारे साथ में शहर के अधिवक्ता जायसवाल है, उनसे भी जानना चाहेंगे। ये बताइए जायसवाल साहब, जिस तरह से ये बढ़ोतरी जो हुई है इसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, राजनीतिक हलकों में मेरा ये कहना है एज अ प्रोफेशनल लॉयर होने के नाते कि पार्टियां कोई भी हो, पहले महंगाई विकास, महंगाई डायन थी, अब वो विकास हो गई है, ऐसा इस सरकार का कहना पड़ गया है। पर पहली सरकार उस महंगाई यानी वो डायन के रूप में अब बन चुकी है, विकास नहीं रह गई है, पर भी विकास दिखाया जा रहा है, जनता त्राहिमाम हो रही है। इस महीने पेट्रोल के साथ साथ जो गैस सिलेंडर के भी, घरेलू रसोइयों के भी रेट बढ़ाए गए, 3 गुना एक महीने में रेट बढ़ाए गए। परसों ही परसों 25 रुपये और बढ़ाया गया है। मेरा ये कहना है इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि जनता नोटबंदी से त्रस्त है, उसके बाद नोटबंदी के बाद हालात ऐसे निर्माण हुए हैं कि कोरोना काल में आ गए हैं, कोरोना में आम जनता पीस रही है, जनता की मजबूरी ये हो गई है कि वो हालात इतने परेशान है, उनकी रोजगार के साधन खत्म हो गए हैं, उनकी जॉब खत्म हो गई है, उनकी नौकरियां खत्म हो गई है, हम अपने पेशे में, हमारे खुद के वकालत के पेशे में हमारे पास ना हमारे क्लाइंट्स अब रह गए हैं, आते भी हैं तो अब वो हालात उनके ख़राब है, तो हम भी उनसे पैसा नहीं मांग सकते हैं। ये हमारी हाल नहीं है, ये आम जनता के हाल है। पर्टिकुलर कुछ लोगों का पेट भरने के लिए, 4 मगरमच्छ को पकड़ने के लिए पूरा तालाब सुखा दिया गया है। ऐसे हालात में हमें, हमारी यही इच्छा है कि केंद्र सरकार से
कि जिस तरीके से बढ़ोतरी की जा रही है आप उसको रोकें और जनता को राहत दें ताकि जनता त्राही माम से बचे, हालात से बचे, नहीं तो आत्महत्या जैसे हालात सभी के उत्पन्न हो जाएंगे और केंद्र सरकार को कुछ लेना देना नहीं रहेगा। निजीकरण ही सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है, निजीकरण में कार्य मिलना जरूरी है। 7 साल हो गए सरकार है, कार्य किसी कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 से 2 उनके 2, हम 2 हमारे 2 ऐसे बन के ही काम किए जा रहे हैं। तो मेरा कहना हम 2 हमारे 2 ऐसे बन के काम किया जा रहा है, ये जायसवाल वकील साहब का कहना है। एक बात आपको बता दूं दर्शकों कि जिस तरह से पेट्रोल हो, डीजल हो या जो गैस जो सिलेंडर होते हैं उनके दाम काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे में घर के गृहिणी से लेके नागरिकों तक के सबको परेशानियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस ओर सरकार ध्यान दे और जल्द से जल्द जो दाम बढ़ाए गए उसको कम करे, यही मांग शहर के नागरिक कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जीने वाले लोगों के साथ ये जो महंगाई का भद्दा मजाक जो हो रहा है उसकी रोकथाम होना बेहद ज़रूरी है, वरना लोग अपना आपा खो सकते हैं। इस ओर सरकार ने ध्यान दे, लोग अभी भी कंट्रोल किए हुए हैं, सरकार थोड़ा ध्यान दे और जो सुचारू ढंग से सब यातायात चले और सब कारोबार चले, इसको लेके महंगाई कम होना इसको सबसे पहले प्राथमिकता दे, यही शहर की जनता चाहती है। नागपुर के संविधान चौक से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।